हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मज़ेदार और बेनिफिशियल होने वाली है। आपके चेहरे पर जादू की तरह काम करने वाली है ये रेमेडी। आज की ये रेमेडी फ्रेंड्स एक फेस मास्क है। अगर आप इसे अपने चेहरे पर यूज़ करते हैं, जादू की तरह आपके चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म करेगी, जड़ से ख़त्म करेगी, काले निशान हैं, फिर झाइयाँ हैं जिद्दी जो जा नहीं रही है उन्हें ख़त्म करेगी। सिर्फ एक हफ्ते में आपके चेहरे पर ये निखार लाएगी, बेदाग बनाएगी, सुंदर चमकदार स्किन बनाएगी आपकी। तो फ्रेंड्स, हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होने के कारण क्या हैं? कुछ तो होते हैं हमारे विटामिन्स की कमी के कारण, विटामिन ए, विटामिन बी थ्री, डी और विटामिन ई के कारण। कुछ होते हैं हमारे सूरज के कारण, सूर्य के हानिकारक किरणों के कारण। तो फ्रेंड्स, जो आज का ये पैक है आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, गोरा बनाएगा, बेदाग बनाएगा, बिल्कुल गारंटी है मेरी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर एक मौसमी। मौसमी के बहुत सारे फायदे हैं फ्रेंड्स, सेहत के लिए तो हैं ही, अगर आप इसे स्किन पर यूज करते हैं तो वो भी मैं बताती हूँ आपको। मैंने ये मौसमी के छिलके लिए हैं और कल रात को मैंने इन्हें भिगो कर छोड़ दिया था गुलाब जल में, तो ये थोड़े से ओवरनाइट भीगे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, मिक्सी में पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, इनके फ़ायदे बताती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, जैसे संतरा हो गया, मौसमी होगी, तो लोग इन्हें खाकर इनके छिलकों को फेंक देते हैं। फेंकना नहीं चाहिए भैया, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होते हैं ये। इनमें नींबू से ज़्यादा बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे अच्छे अच्छे और भी कई अन्य तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन की कितनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, कितनी परेशानी को हल कर सकते हैं। जैसे कि झाइयाँ होगी, दाग धब्बे होगी, टैनिंग हो गई और मुहासे हो गए, पिंपल हो गए, इन सब में ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। स्किन को ग्लोइंग बनाने में, स्किन को चमकदार बनाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। स्किन की टोन को भी फेयर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होता है फ्रेंड्स, छिलके होते हैं जो मौसमी के, संतरे के। अब देखें, मैंने इन्हें मौसमी के छिलके को पीस लिया है जो मैंने भिगोया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब ये थोड़ा मोटा रह गया है दरदरा सा, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे छान रही हूँ। आप चाहे तो इसे किसी कपड़े में भी छान सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा इसका पेस्ट होगा, लिक्विड होगा, वो हम काम में लेंगे। और इसे भी अब फेंकना नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ये भी यूज हो जाएगा। तो अब मैं इसका यहाँ पर रस निकाल रही हूँ जो हमने ये पीसा है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रेंड्स, आप इसका टोनर बना सकते हैं, आप इसे पैक में यूज कर सकते हैं, आप इसे चेहरे पर वैसे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। तो अब क्या करना है, जो ये हमारा बचा हुआ है, आप इसका स्क्रब बना सकते हैं। इसमें चावल का आटा, बेसन मिलाकर अपनी स्किन का लगाने के लिए स्क्रब बना सकते हैं, बॉडी पर लगाने के लिए स्क्रब बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख लें या फिर इसे सुखा कर रख लें और जब चाहे स्क्रब बनाकर तैयार करें। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी, पैक बनाने के लिए मैं एक बाउल लिया। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी पाउडर लूँगी। मैं इसमें 2-3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले लेना। अब मुल्तानी मिट्टी क्या करती है मैं वो बताती हूँ आपको। मुल्तानी मिट्टी स्किन को डिटॉक्स करने के साथ साथ स्किन को एक्सफोलिएट भी करती है। स्किन से एक्सेस ऑयल होता है जो उसे हटाने में मदद करती है। धूल मिट्टी प्रदूषण के कारण जो स्किन डल हो जाती है, बेजान हो जाती है, उसे साफ करने में हेल्प करती है, रिपेयर करती है स्किन को। दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, इन सब को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मुल्तानी मिट्टी। और क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम ऐसे तत्व होते हैं जो वो स्किन को नेचुरल तरीके से क्लीन करते हैं, स्किन को साफ करने में, स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर एक चुटकी हल्दी। हल्दी भी फ्रेंड्स स्किन से दाग धब्बे, झाइयाँ, पिंपल, इन सब को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल गुण होते हैं। अब इसके बाद देखिए, फिर मैंने वही मौसमी का रस लिया है जो हमने निकाला था पहले। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा ऐड करती रहूँगी, जिसमें ये हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए, देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपका ये बच जाए तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, इसे एज ए टोनर भी यूज कर सकते हैं, इसे एक सीरम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो इसमें एलोवेरा जेल मिलाकर इसे सीरम बना सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा हुआ है, विटामिन सी से भरा हुआ है। तो आप इसे यूज करिएगा, फेंकिएगा मत। इसके बाद देखिए, मैं इसमें
आधा चम्मच बस बेसन ऐड करूँगी, वो आपकी मर्जी है, आप ले या ना ले, आप मुल्तानी और इससे भी पैक बना सकते हैं। फिर देखिए मैंने यहाँ पर अपना स्क्रब का भी काम कर लिया है वो बेसन डालकर, तो अब मैंने दोबारा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ आपको, विश्वास मानिए, इतने अच्छे अच्छे तत्व इसमें मौजूद हैं कि आप विश्वास नहीं मानेंगे। एक हफ्ता यूज करके देखिए, आपके चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ, जितनी भी पुरानी पिगमेंटेशन है, मुलाजमा है, सब खत्म हो जाएगा। तो फिर आप इसे अपने चेहरे पर लगाइएगा, ब्रश की सहायता से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखिए मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, आपको इस तरह से ही अपने चेहरे पर लगाना है। फ्रेंड्स इसके बाद क्या करना है वो भी बताऊंगी, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, सही जानकारी मिलेगी, सही बेनिफिट उठा पाएंगे आप रेमेडी का, सही तरीके से वो आपकी स्किन पर वर्क करेगी, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। तो देखिए अब मैंने इसे अप्लाई कर लिया, आप भी इसे चेहरे पर अप्लाई करने के बाद क्या करना है, आपको हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है अपने चेहरे पर, कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से आपको मसाज करनी है अपने चेहरे पर, और उसके बाद फिर आपको अपने चेहरे पर इसे दोबारा अप्लाई करना है। अच्छी तरह से दोबारा से इसे लगाकर आप अपने चेहरे को सूखने के लिए छोड़ दें, कम से कम 15-20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद आपको अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धोना है, और इसके बाद आपको एक काम और करना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी वीडियो में। देखिए मेरा हाथ भी सूख गया है, अब मैं भी आपको हैंड वॉश करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने हैंड वॉश कर लिया, मेरे हाथ का कलर आपके सामने है, विश्वास नहीं मानेंगे, बहुत अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फेस पैक है। आपका चेहरा इतना सुंदर, इतना गोरा और इतना प्यारा रंग हो जाएगा आपका, बेदाग त्वचा हो जाएगी आपकी। तो फ्रेंड्स आप इसे डेली यूज करना है, आपको इसी तरीके से करना है, देखिए जैसे मैं बता रही हूँ। फिर आपको क्या करना है, चेहरा धोने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल लेना, स्प्रे हो तो स्प्रे कर लेना गुलाब जल का, या फिर किसी कॉटन में लेकर अपने चेहरे पर गुलाब जल को लगाना है आपको। ये आपकी स्किन को ठंडक फील कराएगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी थोड़ा ऑयल को सोख लेती है, इसलिए स्किन ड्राई हो जाए तो ये लगाना ज़रूरी है। तो गुलाब जल लगाकर अपने चेहरे को छोड़ दीजिएगा। आपको ये 7 दिन तक डेली करना है, नहाने से पहले भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसके बाद कोई साबुन या फेस वॉश नहीं लगाना चेहरे पर। और फ्रेंड्स ये ऑल स्किन टाइप है, सभी के लिए है, बहुत मज़ेदार रेमेडी है, तो ज़रूर इसे यूज करिएगा मेरे दोस्तों। मैं आपका नुकसान नहीं चाहती, आपका बेनिफिट ही चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके लिए रेमेडी शेयर करती रहती हूँ। मैंने खुद पे यूज किया है, विश्वास मानिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा यार। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।